सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई। अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता है? सरकार हमेशा मौन रहती है या आसन का संरक्षण लेकर पलायन कर जाती है? मंत्री इजराइल मंसूरी के संदर्भ में हमने जब जवाब मांगा कि मुख्यमंत्री जी जवाब दें, इन पर हत्या कराने का आरोप है और बेटे की हत्या के बाद अब दामाद की हत्या की धमकी का आरोप है, और मुख्यमंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, सदन से चले गए। आज तुषार का अपहरण करके हत्या हुआ, उस पर भी सरकार का जवाब नहीं आया। सरकार के पक्ष के लोगों के द्वारा बिल्डर से रंगदारी 2 करोड़ की मांगी गई, सरकार का उस पर भी जवाब नहीं आना। हद हो गई है, कोई विषय पर, अपहरण पर, रंगदारी पर, हत्या, अपराध और भ्रष्टाचार पर सरकार लाचार और बेबस है। क्यों मौन है सरकार? इसमें आसन सरकार को जवाब देने के लिए निर्देशित करने की बजाय विपक्ष की आवाज को ही बंद कराती है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। और सदन के अंदर अगर जो सरकार भागेगी, पलायन करेगी अपहरण से, रंगदारी के उद्योग से, अपराध और भ्रष्टाचार से, फिर बिहार में पूरे भय का वातावरण और पूरी अराजकता का वातावरण व्याप्त है, और इस तरह से सदन चलाने का क्या उचित है? जब लोग सरकार जवाब ही न दे तो फिर सदन का क्या उचित रह जाता है? हम तो सदन चलाने का बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे पा रही है, और सरकार हमेशा मौन रहती है या आसन का संरक्षण लेकर पलायन कर जाती है। यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को हर हाल में जवाब देना होगा। इस मामला को फिर हम सेकेंड हाफ में इस विषय को रखेंगे। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।